अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंस के जॉब्स हैं जिसके अंदर एमबीए और एमकॉम क्वालिफिकेशन और 2 साल का तजर्बा मांगा गया है। नर्सिंग सर्विसेज के लिए क्वालिफिकेशन या तो डिप्लोमा किया हो नर्सिंग के अंदर या फिर बीएस किया हुआ हो, 1 साल का तजर्बा रिक्वायर्ड है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर सुपरवाइज़र रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर आर्मी के रिटायर्ड पर्सन को प्रेफर किया जाएगा और 2 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग रूम टेक्नोलॉजिस्ट बीएस ऑनर्स टेक्नोलॉजी में किया हुआ हो, टेक्नीशियन रिक्वायर्ड है और सबको जो है 1-1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर रिक्वायर्ड, जो 2 साल का तजर्बा रखता हो, एक्सपीरियंस हो 2 साल का। और रायमंड हॉस्पिटल के लिए हाउसकीपिंग असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, ग्रेजुएट हो और सर्टिफिकेट हो उसके पास हाउस होल्डिंग का, और 5 साल का तजर्बा हो हाउस होल्डिंग के अंदर, या कम से कम जो है 2 साल का तजर्बा हो होटल को संभालने के अंदर या फिर हेल्थ केयर के अंदर। और नर्सिंग हेड नर्स की एक वैकेंसी है जिसके अंदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बीएस नर्सिंग और 4 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर एक वैकेंसी है जिसके अंदर रेडियोलॉजी कंसल्टेंट रिक्वायर्ड है, जिसके पास FCPS, MRCP, MRCS क्वालिफिकेशन हो और कम से कम जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मेंटेनेंस के अंदर या मैट्रिक या फिर मैकेनिकल का डिप्लोमा जो है वो होना ज़रूरी है, 1 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। सीनियर टेक्नीशियन चाहिए, इंटरमीडिएट हो या फिर लाइसेंस हो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। न्यूट्रिशंस एंड फूड सर्विसेज के लिए कुक रिक्वायर्ड है और रेलिवेंट कुक के पास सर्टिफिकेट होना लाजमी है और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सेफ्टी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सीसीटीवी ऑपरेटर इंटरमीडिएट हो या फिर डिप्लोमा होल्डर हो, 1 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है उस सीसीटीवी ऑपरेटिंग के अंदर। मोहम्मद शहबाज शरीफ हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग सर्विसेज के लिए सुपरवाइज़र रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा इन नर्सिंग, 3 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर बीएस कंप्यूटर साइंसेज या इक्वलेंट, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट मैनेजर एमबीए ग्रेजुएशन और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये अगर कर्नल मेजर या लेफ्टिनेंट 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस के साथ प्रेफरेबल है। और सिक्योरिटी गार्ड रिक्वायर्ड है, मैट्रिक किया हुआ और इंटरमीडिएट को प्रेफरेंस दी जाएगी और 1 साल का तजर्बा रिक्वायर्ड है। ये सब में से अगर आप किसी जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं तो ज़रूर अपने किस्मत आजमाएं और ज़रूर CV सेंड करें। ये नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर www.indushospital.org.pk पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं।